सीख रहे हो? कराटे क्यों सीख रहे हो? इसलिए अच्छा लगता है। बच्चों को तो नहीं मारना मोहल्ले में? मारना है। मारना है? फाइट करना आती है। फुल कराटे सीख लिए या अभी सीखना है? सीखूंगा। अच्छा, कराटे बाबा ने कहा था सीखने को या खुद ही शौक उठा है? खुद ही शौक होता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? KG 2। स्कूल में फाइट तो नहीं करते बच्चों से? क्यों सीखे? I wanted to do something physical and gym was like boring thing for me and this was really exciting, something that you look forward to, something very new, bearing pain, being able to control yourselves, your emotions and being able to let it go when there's this time for it. So I think it was really worth it. I'm really enjoying every bit of it. It's been that you can say that you can defense yourself. Oh yes, I can. You are really confident. Of course. कराटे सीखें, किसी से फाइट करनी है या फिर सिर्फ शौक है? शौक नहीं है, अपना सेल्फ डिफेंस करना है। सामने वाले के पास अगर वेपन्स हुआ तो कैसे सेल्फ डिफेंस करोगे? वो तो निकालेगा फौरन। उसके वेपन्स को पकड़ लेंगे, उसे गिरा देंगे। उसका हो सकता है ऐसा कि कराटे अगर हम सीखे हुए हों तो किसी को कोई अगर टीटी वगैरह निकाले तो उससे छीन सकते हैं? बिल्कुल। ये मुझे बताएं कि कराटे अगर आप सीख रहे हैं तो क्या सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर शौक है? शौक भी है और सेल्फ डिफेंस भी हो जाएगी। मोहल्ले में लड़ना है, क्या करना है? नहीं नहीं, ये बस सीख रहे हैं, शौक है। कभी लड़ाई हुई है? ऐसे तो नहीं हुई किसी से, नहीं लड़ाई नहीं कर। अगर हुई लड़ाई तो फिर क्या हाथ पांव तोड़ देंगे? नो, नहीं अपना डिफेंस करेंगे पहले। कब से सीख रहे हो कराटे? पाँच तारीख से। क्यों सीखना है? स्कूल में फाइट करनी है? मारते हैं स्कूल में? ये समीना शाह जिन्होंने आपके सामने अभी आइस ब्रेक की है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम मुझे बताएं आपने ये आइस ब्रेक की और कैसे, ये टेक्निक्स कब से आपने सीखी हुई है? जब से कराटे में आए हैं और सबसे पहले मुझे ब्रेकिंग का ना बड़ा एक जुनून है कि किसी किस्म की ब्रेकिंग है उसमें सबसे पहले मैंने हिस्सा लेना है, तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस होती है हमारी, तो वो मैंने उसमें प्रैक्टिस की है जी। तो मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह से लेडीज़ चीफ भी हैं और ब्लैक बेल्ट भी हैं, कैसे शौक उठा, कब से हैं? मुझे बचपन से इसका शौक है और फिर मैंने बहुत जल्दी ब्लैक बेल्ट हासिल किया, तकरीबन 1.5 साल के अरसे में, वरना तकरीबन 3 साल 4 साल लग जाते हैं। तो मुझे इस किस्म का मतलब कोई भी गेम होता है, मैंने नेशनल गेम खेला, चैम्पियनशिप्स बहुत सी खेली, बॉयज़ के साथ फ़ाइट की, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी लड़कियों ने और भी जो इंटरव्यूज़ दिए हैं आपके साथ तो वो सब इसमें नकाब वाली भी आ जाती हैं, बड़ी पर्दे वाली जो बेचारी स्पेशली बाहर जाती हैं बड़ी घबराहट। ये मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ़ नाम्स हैं और बांडो, ताइक्वांडो, किकबॉक्स, इस सबको जब हम इकट्ठा करते हैं, यूनाइट करते हैं तो इट्स कॉल्ड मार्शल आर्ट। और सबके अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स अ फाइटिंग आर्ट एंड वे ऑफ लाइफ। हाँ, इसमें मतलब आपको हम वायलेंस नहीं सिखाते हैं बच्चों को, उनको बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लाइफ को किस तरह पॉजिटिव वे में लाना है, अपने आप को किस तरह एक पॉजिटिव शहरी बनाना है, और दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्शल आर्ट।